नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की। हमारा तीन का भाग एक देख रहे हैं, जिसमें आप लोग अभी तक 8 चैप्टर आपके खत्म कर चुके। ये आपका 9वां चैप्टर है। इसमें हम लोग सब मिलकर भारत को आज आजाद करके छोड़ेंगे। तो इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, बस आपको बड़े धैर्य के साथ बना रहना है। एनसीईआरटी इतनी सरल शब्दों में लिखी गई है कि अगर आप लोग हड़बड़ाओगे तो समझ में नहीं आएगा, सिर से गुजर जाएगा ऊपर से। अगर आप लोग शांति रखकर पढ़ते हैं तो इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिलेगा जो आप समझ ना सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस। पिछले अध्यायों में हम निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं। भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण, नए कानून और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत, किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति में से संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्थाओं को चुनौतियां, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह, उसके बाद की स्थिति, हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास, इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा है उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूहों और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? तो इन सबको आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है, और जान गए होंगे कि क्यों असंतुष्ट थे, किस तरह किसानों का शोषण हो रहा था, किस तरह अपने यहाँ के कानूनों में बदलाव किया जा रहा था, रियासतों का अधिग्रहण किया जा रहा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो पुराने क्लासें आप देखें, उनमें सब कुछ समझाया गया है। चलते हैं हम लोग राष्ट्रवाद का उदय क्या देखते हैं। राष्ट्रवाद का उदय, उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है, किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या फिर जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए। जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का भारतीयों का नहीं हो सकता। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ साफ दिखाई देने लगी। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के आपके प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा के नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या फिर सबके लिए, सर्व सभी और जनिक लोगों का, यानी कि सब लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या फिर वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवादी का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए। संप्रभु बाहरी हस्तक्षेप के बिना
स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता क्या होती है? संप्रभु। 1870 और 80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहराया हुआ है। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। आर्म्स एक्ट के तहत क्या किया गया? ये 1878 में आया, इसके जरिए भारतीय जो अपने पास हथियार रखते थे उस अधिकार को छीन लिया गया। उसी साल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिसमें सरकार की आलोचना करने वाले बालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी पेंटिंग पेज सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने एलवर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या फिर यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु एलवर्ट विधेयक ने इस चाय को और गहरा कर दिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादाभाई नौरोजी, फिरोजी शाह मेहता, बदरुद्दीन तेवजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बंबई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और विचारक थे, वे लंदन में रहते थे। कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसरों एओ ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। तो आपकी कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। विचारक, ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है, विचारक कहलाता है। कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार में लिखा था, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तेवजी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या फिर समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। ये हैं आपके दादा भाई नौरोजी। नौरोजी की पुस्तक पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई। आप लोगों को हमेशा याद रखना है, जो भी हम लोग पढ़ते हैं इनमें से आपको पॉइंट छांटना है जो आपके लिए जरूरी है। अब जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, दादाभाई नौरोजी की पुस्तक पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई। तो आपको याद रखना है कि दादाभाई नौरोजी की पुस्तक का क्या नाम था, ये किससे आधारित थी। ठीक है, अब बात करते हैं उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्यों और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई।
कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसर का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मान कर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा पेटेंट भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ का जो धन है, धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्त व्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। निरस्त करना, किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त करना, यानी कि किसी कानून की वैधता समाप्त करना क्या कहलाता है? निरस्त। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए, सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान दिए जाए। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले वार्ताओं, भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। मध्यमार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यमार्गियों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदेशों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। सोने की चाय, डेंसा वाचा नामक एक मध्यमार्गी नेता ने 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा था, आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। वे लोग पहले ही काफी अमीर हैं, तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर सभी लोग सोने का चाय में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। चलते हैं आगे। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा मूल परिवर्तनवादी उद्देश्यों और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नए इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया,
स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उनमें से लेकर आऊंगा। किसने? तिलक साहब ने। ये है आपकी बाल गंगाधर तिलक साहब। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। किसके समय हुआ बंगाल का विभाजन? कर्जन के समय। ठीक है, इस तरह की आप पॉइंट याद रखिए और निकल जाइए बस। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है कि इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए, क्योंकि उस समय एक विद्रोह का केंद्र भी, आपका आंदोलन जो चल रहा था उसका केंद्र भी बंगाली के आसपास रहता था, ज्यादा चर्चा में था। ठीक है, बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और अमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बंगाल विभाजन के विरोध में आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाके में से वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। यह आपका स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूस में शामिल होने लगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी लोग निकल रहे हैं, बस फर्क इतना है कि तब भी लोग निकलते थे, तब देश की भलाई के लिए निकलते थे और अब अपनी भलाई के लिए निकलते हैं, फर्क बस इतना ही है। देखिए, मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए। तिलक के संपादन में निकलने वाला मराठी अखबार केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। तो बाल गंगाधर के तिलक अखबार का क्या नाम था? केसरी। इन्हीं के बारे में आप लोगों को जानना है, ठीक है, इसीलिए सलाह दी जाती है आपको NCERT पढ़ने की, कि आपका बेस मजबूत हो। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषाओं भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कोई दूसरी महत्वपूर्ण घटना भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह भी मान ली। अब परिषदों में कुल सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही चुनकर भेजा जाता था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। अंग्रेजों का काम क्या था कि फूट डालो और राज करो, उनकी नीति, उनकी बड़ी कारगर लागू हुई, फायदा हुआ। देखिए यहाँ किस तरह से मुसलमानों में और हिंदुओं में फूट डल गई कि उन्होंने संगठन बना लिया अपना और अलग हो गए और बंगाल विभाजन का समर्थन करने लगे। ये हैं आपके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाल लाजपत राय पंजाब के
माने जाने माने राष्ट्रवादियों में से एक थे। वह याचिका निवेदन की राजनीतियों का विरोध करने वाले अमूल परिवर्तनकारियों परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे। वह आर्य समाज के प्रमुख भी सक्रिय सदस्य थे। 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यमार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए। दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। क्रांतिकारी हिंसा। समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना क्या कहलाता है? क्रांतिकारी हिंसा। परिषद, प्रशासकीय सलाहकारी या प्रतिनिधि दायित्व को निभाने वाले मनोनीत या निर्वाचित संस्था की परिषद होती है। जन राष्ट्रवाद का उदय। कहाँ पहुंच चुके हैं हम लोग? जन राष्ट्रवाद का उदय 1919 के करीब पहुंच चुके हैं हम लोग। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। बीस के दशक में कुछ खास व्यवसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे। ऐसा क्यों? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। आपका 1914 से 1918 के बीच हुआ आपका पहला विश्व युद्ध, ठीक है? इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफा तथा युद्ध आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीजों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। जैसा कि आप अध्याय 7 में देख चुके हैं, इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं, जूट के बोरे, कपड़े, पटरियों की मांग बढ़ा दी गई और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यवसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस की क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। अब आते हैं आपके महात्मा गांधी का आगमन होता है। इसी हालत में महात्मा गांधी एक जननेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहां पर नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी, लोग उनका आदर भी करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल, उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील, मजदूर, सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे वहां के लोगों
उनकी जरूरतों हालातों को समझने में लगे रहे। उनकी शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए, इसे भी देख ली। नटाल कांग्रेस के संस्थापक डर्बन दक्षिण अफ्रीका 1895 में, 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। क्या आप चित्त में गांधी जी की पहचान कर सकते हैं? वह पिछली कतार के ठीक पीछे खड़े हुए हैं। चलिए, पिख ही गायब है। अब बात करते हैं, आइए अब हम लोग 1919 से 1922 के बीच के आंदोलनों को गहराई से देखें। रॉलट एक्ट यानी कि रॉलट सत्याग्रह। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने, पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून के विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान बा याचना दिवस के रूप में मनाया जाए, हड़ताल की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉलट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित रहा। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी यानी कि 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। देखिए इस पिक्चर को, वह परिसर जहां जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी। बाद के चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशान की तरफ इशारा कर नाइटहुड ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जनसेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि क्या कहलाती? नाइटहुड। बढ़ते हैं आगे हम लोग। रॉलट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी कि सभी हिंदुओं और मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का मुद्दा। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपती थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बन
बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों यानी कि जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करें। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन की ओर गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राज गोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े हुए थे। पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत। अहिंसा से गांधी का क्या हासिल था? अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती थी? इस बारे में गांधी जी का कहना था, प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिद्धांत को सीख लिया। इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी नहीं। ये बात महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1938 में। बात करते हैं लोगों की पहल कदमी। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगहों लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाए। आइए ऐसे कुछ उदाहरण पर विचार करते हैं। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेरीबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गोंटोड जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे बंद सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार बिचराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि उपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानून को खत्म करा देंगे। बहुत सारी वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी स्थापित होने वाला है। सिंधु मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। घेरेबंदी। लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन क्या होता है? घेरेबंदी। महंत सिख गुरुद्वारों को धार्मिक
सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्तव्यता महत्व का, गैर कानूनी बेदखली, पटाईदारों और उनके पट्टे से जबरन गैर कानूनी ढंग से निकाल देना, गैर कानूनी बेदखली का। महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि, ये है गांधी जी, देख लीजिए, भगवान के रूप में माने जाने। जनता से उपजी छवियों में महात्मा गांधी को अक्सर एक देवी शक्ति के रूप में दिखाया जा रहा था। इस तस्वीर में वो कृष्ण के साथी बने थे, मार्गदर्शन कर रहे थे। वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे थे। अब बात करते हैं जनता के महात्मा। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबों से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए, एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैरकानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार है। दूर दराज के गाँव में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चल रहा है उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है, क्या है, फिर भी सबने मान लिया कि वे जो कहते हैं वही सही है, उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद का एक ब्राह्मण, यहां तक कि एक देवता है। उसके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार के का विरोधी नहीं मानते थे, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते थे। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में, याद रखिए। अब देखिए, आप 1915 में आपके गांधी जी लौटते हैं भारत, उससे पहले कोई नहीं जानता था गांधी जी को, कौन जानता था बताइए। पीछे 4-5 साल में कितना कुछ कर गए। तो कुछ सीखिए। चलते हैं हम लोग अगली घटनाओं पर। 1922 से 1929 की घटनाएं। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे, इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे। इस चोरी चोरा घटना में 22 पुलिस वाले मारे गए थे। इसी कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, वापस ले लिया था। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक में मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधी जी को गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफी उपयोगी साबित हुआ।
ये हैं आपके चितरंजन दास। स्वतंत्रता आंदोलन में चितरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे, असहयोग आंदोलन में वो काफी सक्रिय भी रहे। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना 20 के दशक की मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों में के बारे में पता लगा सकते हैं। उसी के दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसलिए आपका 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है? यही कारण था। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए आंदोलनकारी 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत की राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी असहयोग आंदोलन यानी कि असहयोग सॉरी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। साइमन जो आयोग था इसका बहिष्कार किया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ। याद रखिए, साइमन कमीशन का विरोध होने का मुख्य कारण यही था कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं शामिल था, ठीक है? याद रखिए, बहते कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इंकलाब जिंदाबाद। ये आपकी भगत सिंह, कितनी छोटी छोटी उम्र में लोग कितना नाम कमा गए। और आज देखिए कि 160 साल जी जाए या 200 साल जी जाए, फिर भी कोई उन्हें जानता भी नहीं है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी वी के दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनके उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहनों को सुनाना है, तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 ईयर थी, यानी कि 23 साल थे। देखिए कितना, 23 साल। 23 साल में आजकल देख लीजिए अच्छे से चलना नहीं सीख पा रहे, सोचना दूर की बात, देश के लिए अपने लिए नहीं सोच पा रहे 23 साल की उम्र में बच्चे आज लोग। चलिए अब चलते हैं अगले हम लोग कड़ी पर, दांडी मार्च। किस पर? दांडी मार्च पर। आप लोग कहानी की तरह पढ़ते हैं अगर इस बुक्स को बड़े मन लगाकर, और अगर आपके अंदर पॉइंट छांटने की कला है कि हमें पढ़ना क्या है, तो आप लोग आराम से समझ जाएंगे। याद रखिए, पढ़ाई में एक कला होना चाहिए आपको, क्या पढ़ना नहीं है। अगर एक कला आपके अंदर है तो आप सबसे सही हैं। क्या पढ़ना है ये तो सबको पता है,
हजारों बुक्स रख लेंगे अपने सामने, हजारों नोट्स ले लेंगे, हर कोचिंग की नोट्स निकलवा लेंगे, लेकिन उन्हें हाथ कोई नहीं लगाएगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग में ये ले आइए कि आखिर आपको जरूरत क्या है और पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, और क्या नहीं पढ़ना है, इस पर भी फोकस देते रहिए, ठीक है। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों की को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था, और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। सबसे नमक कानून, नमक चुनना, यही का मेन उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जैसे नमक सबकी जरूरत होता है, नमक चुनने के कारण किसी में भेदभाव, कोई इसके खिलाफ भी तो नहीं हो सकता था, कोई बोल दे कि हमें नमक की जरूरत नहीं है, ऐसा थोड़ी था। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए, और वहां उनके तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। देखिए गांधी जी को, महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। दांडी, ये आपका 6 अप्रैल 1930 को। बात करते हैं स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं। कर्नाटक की अंबाबाई, राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी। इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई, पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था, इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 14 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई। उन्होंने उडीपी में विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों की घेरेबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद, प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारों के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफी जहोजत करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इन आंदोलन में किसानों, आदिवासियों, महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यवसायिक संघ ने पर्चा विकसित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं में के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनाव परिणामों आने के पर
में से सात प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, कितने? 11 में से सात। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके लिए बदले में भी चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया 1939 में। देखिए, महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू पेरिस 1931 में। 1920 के दशक की शुरुआत में से ही राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी, भारतीय महिला थी, याद रखना। 1925 में ये देख लेते हैं, बी लखन नायक को फांसी दे दी गई। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं कि 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घाव के कारण मर गए। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। 1,000 से ज्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई या फिर फांसी पर लटका दिया गया। बी लखन नायक अंग्रेजों की अवहेलना के करने वाले विख्यात जनजातीय नेता थे, को भी फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि स्वतंत्रता का प्रभाव नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विद्रोह विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। कई बार वे लंबे समय तक जेल में भी रहे। प्रांतीय स्वायत्तता, संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना क्या कहलाता है? प्रांतीय स्वायत्तता होती है। चित्र 14, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों से ज्यादा लोग मारे गए और असंख्य लोग घायल भी हुए। वॉस और INA, इन्हें भी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं लोग। सुभाष चंद्र बोस, समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनकारी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी को सम्मान करते थे। राष्ट्रपति राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी महात्मा गांधी को? तो याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ने। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते हुए वे सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। 1944 में आजाद हिंद फौज ने इम्फाल कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान असफल सफल नहीं हुआ। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया। इस देश में तमाम तरह के लोगों ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमे के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा भी लिया। ठीक, चलते हैं भारत छोड़ो और उसके बाद। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो और मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इन आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपने पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार और राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया कर दिया लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने
पर्वर दमन का रास्ता अपनाया। 1945 के अंत में तक 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए। लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाजों से भी भीड़ पर गोली बरसा जाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह में ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी। 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच तनाव का भी हाथ रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया गया था कि यह मुसलमान अल्पसंख्यक है, किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता से ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। 40 के दशक की शुरुआत सालों में जिस समय कांग्रेस के ज्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किया। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधित्व माना जाए। कांग्रेस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षक सीटों को मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया था कि भारत अविभाजित रहे, उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अस्वाभाविक था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जनांदोलन शुरू करने का फैसला लिया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और कई दिनों तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर सरदार्ती बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारतीयों की शक्ल सूरत बदल गई। उसने शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आए। हिंसागत पंजाब से आए शरणार्थी आश्रम भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हुए। देख लीजिए, पहले पता है आपको, जब ये आपके दंगे चल रहे थे पाकिस्तान को लेकर, तब गांधी जी निकले थे घर से
इन्हें शांत करने के लिए, ठीक है। और अभी देखिए आप लोग, अगर अभी दंगे हो रहे हैं तो सबसे पहले नेता घर में बैठ जाती है कि मरने दो, बाद में जो होगा देख लेंगे। इस चित्र को देखिए, मौलाना आजाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य, सेवाग्राम 1942 में। मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली, माता अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार आजाद इस्लाम के विद्वान, वहादत दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी, एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुसलमान मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध भी किया था। इस चित्र को देखिए, गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1944 में। वायुविद राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता श्री राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे कि नहीं, राजगोपालाचारी जी को। ये चित्र देख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1945 से 1947 के दौरान आजादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की। पटेल नादियाड गुजरात के गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इस चित्र को देखिए, महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना सितंबर 1944 में। 1944 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। बड़े ठास बांट से रहते थे, देखिए टाई बेल्ट कोट। यहाँ गांधी जी को देखिए, बिल्कुल सिंपल। चित्र 20 इसे देखिए, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बंबई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात करते रहे। जुलाई 1946 में गांधी जी के शिष्य कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीय विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत के आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से एक थे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहाँ किसी धार्मिक तथा अन्य समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं होता है था, ये सामान्य निर्वाचन क्षेत्र होता था। इस क्षेत्र को देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मार्च 1947 में गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे, या उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के साथ अपने साथियों की प्रार्थना की थी उन्होंने। अफ्रीका में राष्ट्रवाद देख लेते हैं, घना का उदाहरण। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनमें से बहुत सारे देश में राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद से विरोधी संघर्षों के तहत हुआ। अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा था। विदेशी शासकों के प्रतिनिधि के रूप में केवल मुखियाओं को ही शासन चलाने की छूट दी थी, या फिर अफ्रीकियों के बारे में केवल गोरे प्रतिनिधियों वाली सभाएं कानून बनाती थी। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने का प्रतिनिधित्व की ताकत नहीं थी। स्थानीय भूस्वामी और किसानों से जमीन का जबरन अधिग्रहण, करों में वृद्धि, खराब कार परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे अफ्रीकी आंदोलन शुरू हुए। 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना। इससे पहले उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता। यह स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व क्वामे नक्रुमा की कन्वेंशन पीपल्स पार्टी कर रही थी। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार,
जन आंदोलन का रास्ता अपनाया। 1951 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी की कुछ चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली। इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधानसभाओं से अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार दिया। इस पार्टी ने कांग्रेस पर दबाव डाला वे ऐसी विधानसभाओं बनाए जिनसे कोई मनोनीत या विशेष सदस्य न हो। 1954 में इस मांग को मान लिया गया। में नई विधान परिषद के लिए चुनाव हुए। कन्वेंशन पीपल पार्टी ने इन चुनावों में सफलता पाई और इस तरह घाना के नाम से एक नव स्वाधीन राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। समझ में आया? ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें लगा लेना। भी ये भी आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर या आपकी पीडीएफ डाल दीजिए टेलीग्राम पर, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो ये था आपका 9वां चैप्टर, इसमें आजाद हो गए हम लोग। अब बात करेंगे 10वें चैप्टर में स्वतंत्रता की बात। क्या देखेंगे? स्वतंत्रता की बात को हम लोग देखेंगे 10वां चैप्टर। इसे कंप्लीट करने के बाद भाग एक आपका खत्म होता है, अतीत, हमारा अतीत थर्ड के नाम से जो बुक्स है इसका भाग एक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग भाग दो के बारे में बात करेंगे।